राजस्थान में इसी साल के अंत में चुनाव है, लिहाजा वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। इस बीच बीते दिन बीजेपी चीफ जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जाएंगे और लोगों से उनका सुझाव लेंगे। वहीं अभियान की लॉन्चिंग के दौरान नड्डा ने सीएम गहलोत को जमकर आड़े हाथों लिया और गहलोत का नाम लिए बिना कहा कि इन्होंने 5 साल इसी में निकाल दिए कि सचिन पायलट कहां जाते हैं और उनके साथ कौन से विधायक हैं। इन्होंने विधायकों को लूट के लिए खुली छूट दे दी और इन्होंने खूब लूट भी मचाई। मैं जब राजस्थान में आया तो मैंने सड़कों पर जगह जगह 2030 को लेकर पोस्टर देखे, लेकिन मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि 2030 से पहले 2023 आता है, गिनती भूल गए हैं क्या गहलोत साहब? गुलाटी खा जाओगे। गहलोत के अलावा इस दौरान नड्डा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी जमकर घेरा और कहा कि 1, 2, 3 से लेकर 10 तक गिनती बोलने वाले तो यहां आएंगे ही नहीं। उनकी बहन भी यहां नहीं आती। उन्होंने जो वादे किए उनका हाल तो आपको पता है। वो महिला उत्पीड़न के मामलों में दूसरे राज्यों में जाती हैं, लेकिन राजस्थान में केवल रणथौंबर में आती हैं। आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में नड्डा का कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगे कहना था कि संकल्प पत्र एक दस्तावेज नहीं, ये हमारा एम है। आमजन बीजेपी को जो सुझाव देगा उससे राजस्थान मजबूत होगा। आमजन के सुझावों के आधार पर बीजेपी आने वाले चुनावों के लिए अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया और भोली भाली जनता को जमकर लूटा। उन्होंने जनता को खूब चूना लगाया है। बताते सीएम गहलोत की ओर से आमजन से सुझाव लिए जा रहे हैं, इसको लेकर जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं। इन्हीं पोस्टरों को देखते हुए नड्डा ने यह हमला बोला और कहा कि जनता ने गहलोत जी को एक सुझाव दिया है, आप घर बैठ जाइए और राजस्थान को मोदी और नड्डा जी के हवाले कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।